हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साहेब सूट। सो आज हम बात करेंगे कि जीमेल अकाउंट कैसे बने। लेकिन पहले एक छोटी सी बात, क्या आपको पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70% लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं? हाँ, आपने सही सुना, 70%। पर आपको पता है कि इंटरनेट यूज़ करना कितने लोगों को आता है? बस 30%। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता वो भी जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आप सोच रहे हो कि इतना आसान तो है फिर मैं क्यों बता रहा हूँ। लेकिन देखो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इतनी आसान होती है कि हम उसको आसानी समझ लेते हैं, पर वो चीज़ें आपके काम की भी हो सकती है, और वो चीज़ आज हमारा टॉपिक भी है। तो जीमेल अकाउंट कैसे बनाए, तो चलिए शुरू करते हैं। और बिना किसी देरी के, अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आएगा। और 2023 में बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत ही आसान हो गया है जीमेल अकाउंट बनाना, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, या तो अपने मोबाइल पे भी ये कर सकते हैं या अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। अभी जो कुछ भी मैं अपने लैपटॉप पे बताऊंगा ये सारा कुछ सेम टू सेम आप लोग अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो आप लोग को फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आप लोग फोन पे कैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करें। तो चलिए इसी वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करना है, gmail.com टाइप करना। तो मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ gmail.com। जैसे मैं gmail.com टाइप करता हूँ, यहाँ जो gmail.com का जो वेबसाइट है ये वेबसाइट ओपन होके आ गए। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डायरेक्टली साइन इन के लिए आया हुआ है क्योंकि हमने gmail.com टाइप किए हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं, एक होता है फॉर माय पर्सनल यूज, एक होता है फॉर माय चाइल्ड, और एक होता है फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो आप लोग अगर अपने पर्सनल के लिए बना रहे, खुद के लिए बना रहे तो आप पर्सनल यूज़ के लिए बनाए, अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे तो फॉर माई चाइल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग वर्क के लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर वर्क और माई बिजनेसेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर माई पर्सनल यूज। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आ गया हमारा फर्स्ट नेम मांग। तो यहाँ पे आपको अपना जो फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगा है ये सारे डिटेल्स आपको फिल कर लेना, तो मैं जल्दी से ये सारे डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं सारे डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे ये मांगता है आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अपना क्या करना है, आपको सिंपली अपना फोन नंबर जो है ये दे देना है ताकि ये वेरीफाई कर ले। इन फ्यूचर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है अगर आपके अकाउंट के साथ, तो ये फोन नंबर के बदल आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या अगर आपका अकाउंट हैक हो चुका है तो आप अपने अकाउंट को रिकवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना वही नंबर दे जो चालू है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, और नंबर देने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक कोड आपके फोन पे गया होगा, तो फोन पे जो कोड गया होगा वो सेम कोड को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग कोड एंटर करते हैं उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं रिकवरी ईमेल एड्रेस। जैसे कि आप लोग रिकवरी के लिए अपना फोन नंबर तो दे दिए, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है कि अगर आप लोग चाहें तो अपना कोई भी ईमेल आईडी रिकवरी के लिए दे सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपका ये नंबर बंद हो जाए या किसी तरीके से अगर आप ये नंबर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो उस समय आप जो ईमेल आईडी अभी देंगे वो ईमेल आईडी पे आप मतलब रिकवरी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आप लोग रिकवरी ईमेल आईडी दे देंगे उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ये सब आप लोग दे सकते हैं, और आप लोग चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं या दे भी सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग दे दें ताकि ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है जेंडर, तो यहाँ आपको सिंपली अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेल हूँ तो मैं अपना मेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या यस आई एम इन कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा यहाँ आप सिलेक्ट करें यस आई एम इन सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद ये जो प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की तरफ से, तो सिंपली आप डाउन करके यहाँ पे आई एग्री का जो है आई एग्री पे क्लिक कर लें। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो जीमेल अकाउंट ये बन के तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है कि कैसे जीमेल अकाउंट बनाए, या अगर आपका जीमेल अकाउंट रिकवर करना है, तो ये सारा कुछ मतलब अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीमेल अकाउंट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।